तुला राशिफल मई 2024 का ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ के विषय में और मैरिज लाइफ के विषय में। तुला राशि वाले जातकों, फिफ्थ हाउस जो होता है वह प्रेम और प्यार का होता है, यही भाव आपकी शिक्षा का भी होता है। आपके आपसी रिलेशनशिप के विषय में जानकारी देने वाला जो घर होता है वह जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस होता है। पांचवें घर के स्वामी हैं आपके शनिदेव और शनिदेव स्वयं इस घर में विराजमान है अपनी कुंभ राशि में। कहने का मतलब यह है कि प्रेम जीवन के मामलों में मई 2024 का यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ग्रह के योग आपके अनुकूल रहेंगे। प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास, समर्पण और आपका प्यार और भी गहरा होगा। वहीं आपके जीवन में आपको अपने पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है। आप अपने जीवन में अपने इस रिश्ते को जीवन साथी के रिश्ते में बदलने के लिए भी चर्चाएं कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और सच्चा योग आपके लिए नजर आ रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके सातवें घर में उच्च राशि के सूर्य, गुरु और शुक्र तीन ग्रह विराजमान है। यह आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का योग बता रहे हैं। आपका अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम आकर्षण बढ़ेगा। वहीं आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत से बातों पर विचार करने वाले हैं। आप अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान देंगे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने से लेकर अपने भविष्य की बहुत से महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा कर सकते हैं। ये जो मई का महीना है आपके वैवाहिक जीवन को और भी मधुर और अच्छा बनाने का योग दिखा रहा है। वहीं आप अपने जीवन साथी के लिए किसी उपहार को खरीदने के लिए पैसे को इकट्ठा बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आप एक दूसरे को अगर उपहार देंगे तो इससे आपका प्यार और भी गहरा और मजबूत होगा। बात करेंगे आपके फाइनेंस की, धन की स्थिति की। तुला राशि वाले जातकों, आपके धन के भाव के स्वामी हैं मंगल ग्रह और बैठे हैं आपके छठवें घर में बुध और राहु के साथ। हो सकता है कि ये जो महीना है आपका थोड़ा सा धन से संबंधित परेशानियों में गुजरे। आपको जरूरत के मुताबिक धन ना मिले या आपने बहुत पहले से सेविंग्स कर रखी हैं तो वह सेविंग्स भी आपकी खर्च हो सकती है। अचानक आपका पैसा किसी बीमारी, रोग या फिर किसी जरूरतमंद को देने में खर्च हो सकता है, इसीलिए आप सोच विचार कर अपने पैसे को खर्च करें। अगर सेविंग्स है तो कोशिश ये करें कि आप अपनी सेविंग्स को खराब ना करें क्योंकि इस महीने आपके खर्चे थोड़े से ज्यादा बढ़ने वाले हैं। बात करेंगे आपके करियर, बिजनेस और जॉब की। अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो मई का ये महीना आपको जीवन में तरक्की की राह दिखाने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपको अपनी शिक्षा के लिए लेने पड़ सकते हैं। अगर जॉब तलाश कर रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी आपको मई के महीने में रहेगी। थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, जॉब के लिए परेशानी रहेगी, जॉब मिलने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यापार में आपको तरक्की के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है कि इस महीने धन का आगमन आपके पास कम हो, धन संबंधी परेशानियों से जूझ सकते हैं। जॉब में आपको काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा, अधिकारियों का दबाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आप मानसिक रूप से अपने काम को लेकर थोड़े से परेशान रह सकते हैं। बात करेंगे हेल्थ की। आपकी जन्म राशि के अनुसार छठवें घर के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और बैठे हैं सातवें घर में। इस समय आपको गुप्तांग संबंधित कोई रोग हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, लूज मोशन की समस्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन के कारण बॉडी में पानी की कमी भी हो सकती है। इसीलिए धूप में जाने से बचें, खान पान सही रखें, बाहरी चीजों को खाने पीने से बचे रहेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे मई का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ऐसे ही राशिफल सुनने के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।